हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप प्राण प्रतिष्ठा की आगे की प्रोसेस देख पाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दी थी और फर्स्ट पार्ट मैंने शेयर कर दिया था। तो ये आगे की प्रोसेस है फ्रेंड्स, और मैंने जैसे वन डे प्रोसेस ही किया है पूरा, तो मैं एक पार्ट में ही सारा वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अनाज से प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रोसेस है, जो दी है, वो मैंने स्टार्ट की थी। तो बस अब यहाँ कुछ देर बाद मैंने ये जो चावल हैं एक प्लेट में निकालना शुरू कर दिया है, ताकि मैं फल फूल और सब्जी ये सारी चीज़ों से आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे की जो प्रोसेस है, वो कम्प्लीट कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये चावल मैं निकाल रही हूँ। बहुत ही आराम से ये चावल आपको निकालने हैं। जो भी अनाज आपने रखा है वो आप बहुत इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। और ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं इसे एक प्लेट में इकट्ठा कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसी तरह मैं ये पूरा अनाज जो है, ये चावल जो है, वो एक थाल में एकत्रित कर लूँगी। और उसके बाद ये जो चावल हैं, इसका यूज़ आप घर पर प्रसाद समझकर कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं। तो मैंने तो कुछ पैसे रखकर ब्राह्मण देव को ही दे दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। और देखिए, अब हम करने वाले हैं सब्जियों से ये प्रोसेस कम्प्लीट। और अब मैं कुछ सब्जियां जो भी मेरे पास घर पे अवेलेबल है वो मैं यहाँ पर रख दूँगी, और बस इसे बर्तन को पूरा अच्छे से कवर करके फिर मैं इसे ढककर, जैसे मैंने लास्ट स्टेप में किया था जब मैंने अनाज का यूज़ किया था, सेम चीज़ ही अभी फिर से रिपीट करनी है। बस यहाँ पर अनाज की जगह मैंने सब्जियाँ ली है। तो जो भी सब्जी आपके पास घर पर अवेलेबल है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे ढक कर ऐसे रख दिया है। और फिर कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि ये जो सारी सब्जियां हैं, मैं इसे हटा दूंगी और इसे चेंज करके हम करने वाले हैं थर्ड स्टेप, जो हमारा होगा फलों से। तो ये सब्जियां मैं एक एक करके हटा दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर फल रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रोसेस में कुछ घंटों का डिफरेंस है। मैंने युगल सरकार जी कल ही स्थापित किए, और आप लोगों ने, कई लोगों ने एलवी में देखा भी होगा उनका श्रृंगार, और कैसे लग रहे थे हमारे युगल सरकार जी। तो उनका श्रृंगार जो मैंने किया है, वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी मैं ये प्रोसेस कंप्लीट कर रही हूँ, यहाँ पर फल रख रही हूँ। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके पास घर पर अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नाशपाती और अनार लिया है, जो फ्रूट्स मेरे पास घर पर अवेलेबल थे। और फिर मैं इसे ढक कर सेम वैसे ही रख दूंगी कुछ घंटों तक, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ घंटों बाद अब मैंने यहाँ पर ये लाल कपड़ा हटा दिया है, और बस अब मैं इसे चेंज करके यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ फ्लावर्स। तो जी हाँ, अब हम करने वाले हैं फूलों से ये प्रोसेस कम्प्लीट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं एक एक करके इस तरह से ये जो फल मैंने रखे थे वो मैं हटा दूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने किया है, सारे फल जो थे वो भी मैंने हटा दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्लावर्स। तो कुछ फूल लिए हैं मैंने, और वो फूलों को मैं अच्छे से यहाँ पर बिछा रही हूँ। ये देखिए, इसे मैं अच्छे से फूलों से कवर कर दूँगी। और उसके बाद, जैसे मैंने लास्ट प्रोसेस में, लास्ट स्टेप्स में लाल कपड़े से ये बर्तन को ढक दिया था, वैसे ही अभी भी मैं सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने फूलों से अच्छे से ने कवर कर दिया है। और
ये देखिए। तो बस अब मैं फिर से लाल कपड़ा ले लूँगी और इसे ढककर रख दूँगी। तो सेम प्रोसेस फ्रेंड्स आपको करनी है। मैंने ये प्रोसेस कुछ घंटों में कंप्लीट की है और 5 दिन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, 5 दिन की जो पूरी प्रोसेस होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लाल कपड़े से इसे अभी ढक दिया है और फिर कुछ देर बाद मैं ये लाल कपड़ा हटा दूँगी और हमारे जो युगल सरकार जी हैं उनका पंचामृत से अभिषेक होगा। तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूल जो है, अब वो मैं सारे फूल हटा देती हूँ और यहाँ पर हमारे युगल सरकार जी अब पंचामृत से स्नान करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने हटा दिया है इन्हें फूलों से और बस अब जो हमने इनकी आँखों में पट्टी बांधी थी वो मैं हटा दूँगी और अब हम इन्हें दिखाने वाले हैं दर्पण। मैं आईना इसलिए दिखा रही हूँ कि ये पूरी प्रोसेस के दौरान जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो इनमें ही रह जाए, इसलिए मैं यहाँ पर ये आईना दिखा रही हूँ। और अब मैं राधा रानी को भी आईना दिखा दूँगी, उनकी भी जो आँखों में पट्टी बांधी थी वो मैंने हटा दी है। और बस अब देखिए, यहाँ पर ये बर्तन लिया है मैंने और इसे गंगा जल से क्लीन कर लिया है और बस अब मैं इनका पंचामृत से स्नान करवाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, और पंचामृत स्नान के लिए मैं यूज़ करूँगी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध। तो देखिए, दूध से मैं पहले इनका अभिषेक कर रही हूँ और इस प्रोसेस के दौरान आप जो भी मंत्र आपको आता है, जो भी कृष्ण मंत्र आपको आता है, उसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप मंत्र जाप करने में फ्रेंड्स कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप श्री हरि नाम भी जाप कर सकते हैं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से ही सारी जो पूजा की विधि है वो कंप्लीट करना पसंद करती हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें फ्रेंड्स मुझसे नहीं हो पाती, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की है। और वैसे भी हमारे जो ठाकुर जी हैं वो भक्तों के भाव ही देखते हैं, सबसे उत्तम सबसे बड़ी चीज़ तो वही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है दही और दही से इनका अभिषेक कराया है और घी की कुछ बूंदें ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ, क्योंकि घी ज़्यादा डालने से जो श्री विग्रह हैं वो बहुत ही चिकने हो जाते हैं, तो इस कारण से मैंने यहाँ पर घी बहुत ही कम लिया है। और उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ शहद, तो शहद से जो भी चिकनाहट आई है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने शहद से भी इनका अभिषेक कर लिया है और बस अब मैं लूँगी साफ जल, जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है गंगा जल। तो बस अब मैं पानी से इनका अभिषेक करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जल से इनका अभिषेक कर रही हूँ और बस इसके बाद मैं साफ कपड़े से जो इनका शरीर है वो अच्छे से पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, बहुत ही आसान प्रोसेस से मैंने ये विधि जो थी वो कंप्लीट की है। इस सारी प्रोसेस के दौरान आपको हरि नाम का जाप करते रहना है। और देखिए, मैंने लिया है यहाँ पर साफ जल और बस मैं उससे इनका स्नान करा रही हूँ। मैंने अब युगल सरकार जी को अच्छे से इनका शरीर एक सॉफ्ट टॉवल से पोंछ दिया है और उसके बाद इन्हें ये वस्त्र पहना दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे युगल सरकार जी। और इनका जो श्रृंगार वीडियो है, मैंने कैसे इनका पूरा श्रृंगार किया है, वो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और मैंने जो स्थापना की थी वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने इस वीडियो में ही नहीं शेयर किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूंगी।
कैसी लगी फ्रेंड्स ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू गोपाल कृपा फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय, जय श्री कृष्णा।